ऐ परवरदिगार, हम तेरी रजा के लिए रोजा रखते हैं, तेरे ही अता करदा रिस्क से इफ्तार करेंगे, तेरी अता करदा नेमतों पर, सेहत और अमन पर शुक्र है। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल फरमाए। तो क्या आप कल चश्मे के इफ्तिताह के लिए इफ्तार से पहले जाएंगी मलिका? जी हम जा रहे हैं सुल्ताने मौसम, हम इफ्तिताह के मौके पर वहाँ खुद मौजूद होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मजीद ये के हम अपनी मुकद्दस अमानतें देखने के लिए बेताब हैं। हम भी मलिका, हम भी उस दिन के मुंतजर हैं जब हमारे कल्ब और नजर को भी एक नई जिंदगी मिलेगी। आपने शिवनाज की हत्या करने के बारे में सुना है? उन्होंने अपनी तमाम दौलत दे दी है ना? जी हाँ, हमने सुना है शिवनाज खातू अपना ज्यादातर वक्त नमाज और जिक्र में गुजारती हैं। फूफी जान ने भी देखा था उन्हें नमाज पढ़ते हुए। हमने भी शिवनाज खातून को तौबा करते और रोते हुए देखा है। मौलाना रूमी ने फरमाया कि नदामत और नम आंखों के साथ तौबा करनी चाहिए, क्योंकि फूल की कलियां धूप और नम जगह पर खिलती हैं। शायद शिवनाज के दिल में भी फूल खिल जाए। हमें शिवनाज के बारे में अभी भी काफी शुभात हैं। हम सोचते हैं कि वह दुआ में आखिर क्या मांगती होगी। परेशान मत हो बेटे, हमारा रब लोगों के दिलों के हाल बखूबी जानता है।